अस्सलाम वालेकुम। केएल से ताऊबट जाने का प्रोग्राम है। रोड काफ़ी टफ है, 40 किलोमीटर का रास्ता, लेकिन रोड काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। 3 घंटे लग जाते हैं लगभग। टिकट में ले चुका हूँ, गाड़ी अभी तक आई नहीं है और किसी भी लम्हे पहुँचने वाली होगी। थोड़ी सी कोशिश करके मुझे फ्रंट सीट मिल ही गई, जहाँ से मैं फ्रंट व्यू देख सकता हूँ। इस गाड़ी में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे हैं, जो शायद ताऊबट जा रहे हैं या ताऊबट से पहले चंद गाँव आते हैं, जैसे हिलमत, सरकारी, निक्रो वगैरह। अगर आपको 90s के बॉलीवुड सॉन्ग्स पसंद नहीं है तो सफ़र बहुत मुश्किल हो जाना है, क्योंकि ऐसी लोकल जीप में ऐसे गाने ही चलते रहते हैं। रास्ते में कई जगह सड़क की कंस्ट्रक्शन चल रही है, जिसकी वजह से रुकना पड़ जाता है। हलमत पहुंच आए हैं और मेरे ख्याल में आधे घंटे का रास्ता होगा, तो 30 मिनट्स विल बी इन ताऊबट। तो बहुत ही रफ टफ सफ़र के बाद मैं आखिरकार ताऊबट पहुंच गया हूं। अभी बहुत थका हुआ हूं, थोड़ी देर सस्ताऊंगा, चाय ऑर्डर किए, चाय पीऊंगा और उसके बाद फिर मैं एक्सप्लोर करता हूं। मेरे पास तकरीबन है 12 घंटे, रात को 2:30 बजे 3 बजे गाड़ी निकलेगी, तब तक मैं यहीं पे हूं और खूब एक्सप्लोर करूँगा। क्या नाम है? अंसा। आपका क्या नाम है? सीमा। आपका क्या नाम है? फरहाद। आपका क्या नाम है? मेरे बैकग्राउंड में आपको जो दरिया नज़र आ रहा है, ये दरिया नीलम है और इसका पानी ब्लूइश ग्रीनिश सा शेड देता है। क्रिस्टल क्लियर वाटर है, बहुत साफ़ सुथरा। मकबूजा कश्मीर में किशनगंगा डैम की तामीर के बाद इस पानी का फ्लो थोड़ा सा कम हुआ है। यहाँ से थोड़ा सा आगे जाएं तो फिशरी है, वहाँ पे ट्राउट फिशिंग होती है और फिश फार्म है। अभी मैं चलता हूँ दरिया की दूसरी तरफ और वहाँ पर कुछ पिक्चर्स लेता हूँ। तकरीबन हमने 2014 से इसकी आवाज़ किया था डिस्ट्री का। अच्छा, तब से हमने ये रखी है। ये ब्राउन ट्राउट है और ये अमेरिकन नस्ल है। और जो दूसरे दरिया की है वो बहुत कम यहाँ पे पाली जाती है, तो वो दरिया के बगैर नहीं रह सकती।
ना ये। रात 3 बजे तक मैं यहीं पे हूँ और आज मेरे पास बहुत अच्छा मौका था स्टार ट्रेल फोटोग्राफी या मिल्की वे कैप्चर करने का, बट अनफॉर्चुनेटली ट्राइपॉड इस ट्रिप में मैं साथ नहीं लाया। ये मसला हमेशा होता है पहाड़ों में, अनप्रेडिक्टेबल वेदर होता है, किसी भी वक्त बारिश हो सकती है। ताऊगढ़ पाला की तरफ मैं जा रहा था, बारिश शुरू हो गई है, अब मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि बारिश रुके तो फिर मैं उतर जाऊँ। 15 से 20 मिनट 30 मिनट की हाइक होगी, ज़्यादा नहीं है, लेकिन वक्त बहुत कम है, शाम लेट इवनिंग हो रही है, मैं चाहता हूँ कि रोशनी में वहाँ पहुँच जाऊँ। ये वाला रास्ता एक्चुअली काफ़ी मुश्किल है, चलने में मुश्किल नहीं है, लेकिन एक तो मैं हूँ अकेला, दूसरी बात बारिश लग गई है, तीसरी बात अंधेरा भी करीब करीब है, चौथी बात पहले इस रास्ते पे आया हुआ नहीं हूँ, जगह जगह पे लिखा हुआ है कि जंगली जानवरों से मोहतात रहें और सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर एरिया है। दूसरी बात यह है कि मुझे चेक पोस्ट वाले फ़ौजी ने डरा भी दिया कि आज कोई टूरिस्ट नहीं गया, दैट मीन्स मैं बिल्कुल अकेला हूँ वहाँ पर। अंधेरा भी होने वाला है, बारिश भी हो गई है, मैं अकेला हूँ, ताऊगढ़ पाला की तरफ हाइक कर रहा हूँ। ताऊगढ़ पाला पहुँच आया हूँ और मज़े की बात यह है कि यहाँ पे मैं अकेला टूरिस्ट हूँ और कोई भी नहीं है, चंद मकामी लोग हैं लेकिन बहुत कम हैं। तो जब सारा का सारा लैंडस्केप आपके लिए हो, इससे अच्छा कुछ नहीं होता, एक फोटोग्राफर के लिए स्पेशली इससे अच्छा कुछ नहीं होता। अगर आप मेन ताऊगढ़ तक आ चुके हैं तो आपको ताऊगढ़ बाला ज़रूर आना चाहिए, ये बहुत शानदार जगह है, ब्यूटीफुल लैंडस्केप, घंटे एक का रास्ता है, 40-45 मिनट की हाइक है, आइसोलेटेड सी जगह है, LOC के बिल्कुल साथ है, तो और टूरिस्ट कम आते हैं तो कचरा भी नहीं होता, ये बहुत बड़ा प्लस है। आज़ाद कश्मीर में ज़्यादातर हिंदी ज़ुबान बोली जाती है, लेकिन ताऊगढ़ में कश्मीरी और शीना ज़ुबान ज़्यादा बोली जाती है। यहाँ के लोग भी बाकी लोगों से कुछ अलग हैं और इनके घर तो बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं, खेतों में आपको ख्वातीन काम करते हुए नज़र आती हैं, ताऊगढ़ बाला में नेचुरल ब्यूटी हद से ज़्यादा है। मेरा यहाँ इस वक्त आने का फ़ायदा मुझे ये हुआ, सारा का सारा लैंडस्केप मैं अकेला इंजॉय कर सका और मेरे अलावा यहाँ कोई भी टूरिस्ट नहीं है। ताऊगढ़ मेरे ख्याल में कश्मीर का खूबसूरत तरीन गाँव है, अगर आप यहाँ विज़िट करते हैं तो यहाँ से आपका वापस जाने का दिल नहीं करेगा। अड़नकेल बहुत खूबसूरत है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि एक्सेस बहुत अच्छी है, लिफ्ट लगी हुई है और लोग बहुत ज़्यादा जाते हैं, इसलिए वो थोड़ा सा अब्यूज़ हो चुकी है, ताऊगढ़ अब्यूज़ नहीं हुआ। ताऊगढ़ में मैंने देखा है सफाई भी अच्छी है, लोग भी बहुत अच्छे हैं, बड़ा वार्मली वेलकम करते हैं, ग्रीट करते हैं। ओवरऑल क्योंकि आर्मी ने रिस्ट्रिक्ट किया हुआ है काफ़ी ज़्यादा, बॉर्डर एरिया है तो, और रोड नहीं बना हुआ, इस वजह से कम लोग आते हैं, थोड़ी एक्सेस मुश्किल होती है, लेकिन मुश्किल एक्सेस का ये फ़ायदा होता है कि जगह बच जाती हैं। अभी शाम के 6 बजे हैं और मुझे रात के 3 बजे तक यहीं पे बैठना है, इंतज़ार करना है, सफ़र बहुत लंबा है,
ताऊबट से मुजफ्फराबाद पूरा दिन लग जाता है, तो कल का पूरा दिन बल्कि आज की रात भी सफ़र में ही गुजरेगी। व्लॉग को एंड करता हूँ, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।